नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सुरवीवाल, सह आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में कोणार्क नाटक पर चर्चा करेंगे। कोणार्क नाटक का जो सारांश है, ये डॉक्टर जगदीश माथुर के द्वारा लिखित हैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हम आज केवल कोणार्क नाटक के सारांश के रूप में देख रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क नाटक एक प्रसिद्ध रचना है। ये आकार में छोटा होने के साथ सर्वांगपूर्ण नाटक है। सुमित्रानंदन पंत ने इसके बारे में लिखा है कि हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि मुझे अन्यंत्र देखने को नहीं मिली। कोणार्क नाटक का सारांश निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, उपक्रम। उपक्रम का सामान्य अर्थ है कार्य की पहली अवस्था, कोई काम शुरू करने से पहले की तैयारी, उपक्रम का ही कहा जाता है। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक में यह नवीन प्रयोग है। उपक्रम में आंखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंस शेष कल्पना की साकार हो उठा है। इससे नाटक का कथानक आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। ये सब जानकारी वाचिकाओं और सूत्रधार के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इन वाचिकाओं और सूत्रधार के समुदाय को लेखक ने वृंदवर्ती का नाम दिया है। इसकी तुलना यूनान के कोरस से की जा सकती है। वृंदवर्तिका कथा की कड़ियों और आत्मा को प्रस्तुत करता है। ये दर्शकों का भी प्रतीक है। उपक्रम में वृंदवर्तिका द्वारा बतलाया गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर अब तो खंडहर सा है। लगभग 700 वर्ष पूर्व स्वप्न पूरा हुआ था। उड़ीसा प्रदेश में महाराज नरसिंह देव का राज्य था। उनका महाशिल्पी विशु था। उसने भुवनेश्वर में एक के बाद एक इस प्रकार चार मंदिरों का निर्माण किया था। फिर भी राजा की कामना और विशु की साधना पूरी नहीं हुई थी। तब पूर्वी सागर के तट पर कोणार्क में भगवान सूर्य का मंदिर बनाया गया। 1200 शिल्पियों और मजदूरों ने उसके लिए 12 वर्ष परिश्रम किया गया। दुर्ग के प्राचीर से बड़े तो सूर्य मंदिर में रथ के 12 पहिए थे और रथ के घोड़े पर्वताकार थे। मंदिर के भीतर सूर्य भगवान की मूर्ति चुंबक पत्थर के आकर्षण से शून्य में लटकी हुई थी। वह किसी पर टिकी नहीं थी। इतना बनने के बाद भी मंदिर का शिखर बाकी था जो पूरा नहीं हो रहा था। महाशिल्पी विशु की चिंता। विशु ने मुख्य पाषाण कोर्तक राजीव से कहा कि आखिर अम्ल के ऊपर चित्रपट को हम कब स्थापित कर पाएंगे। इसके बिना मूर्ति प्रतिष्ठान का आयोजन नहीं किया जा रहा। विशु ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर संबंधी मेरी कल्पना बुद्धि से परे हो चली है। लगता है हमने पृथ्वी और आकाश के बीच अनजाने ही एक संघर्ष खड़ा कर दिया है। मंदिर तो जैसे उड़ जाना चाहता है और धरती ईर्ष्यावश उसे जकड़े हुए है। महामात्य चालुक्य की चर्चा। सौम्यश्री ने विशु से कहा कि अभी तो उत्कल नरेश की क्रोधाग्नि की चिंता करो। विशु ने कहा कि करुणा की फुहारें उनकी क्रोधाग्नि को शांत कर देती है। सौम्यश्री ने बताया कि चालुक्य नरेश की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित ही रखते हैं। नरसिंह देव को बंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने में लगे हैं और अब यहाँ चालुक्य ही सर्वेसर्वा हैं। शिल्पी चालुक्य के अत्याचारों के समाचार लाते रहते हैं। उन्होंने दंडपाशिक के सब अधिकार हथिया लिए हैं। दंडपाशिक सैनिकों के बल पर महामात्य की शक्ति बढ़ती जा रही है। विशु कहता है कि हम शिल्पी हैं, हमें तो कोणार्क को पूरा करने के बारे में ही सोचना है। किसी की भी शक्ति घटे बढ़े हमें इससे क्या मतलब है। पिता और पुत्र का मिलन। राजीव ने विशु से कहा कि यदि धर्मपद की बात सुने तो आप शायद अपना विचार बदल डालेंगे। वह 16 वर्ष से भी कम आयु का किशोर शिल्पी हाल ही में आया है।
वह बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, वह आपसे मिलना भी चाहता है। कीर्ति स्तंभ पर नगायकों के रूप में उसी में उत्कीर्ण किए हैं। विष्णु ने उसे बुला लाने के लिए कहा। सौम्य ने कहा कि वही मेरी मूर्ति तैयार कर देगा। तब विष्णु ही सौम्य की मूर्ति बना दी। राजीव धर्मपद को विष्णु के पास ले आया। पूछने पर धर्मपद ने बताया कि मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली है, मैं जीवित रहने के लिए शिल्पी बना हूँ। विष्णु ने कहा कि तुम कोणार्क देवालय को अच्छी तरह देखो, इसमें सारा जीवन प्रतिबिंबित है। धर्मपद ने कहा कि मैं श्रृंगार मूर्तियाँ तो देखते देखते आघा गया हूँ। विष्णु ने युवक से कहा कि तुम प्रणय मूर्तियों में अश्लीलता ही देख रहे हो, जीवन के आदि और उत्कर्ष को नहीं। युवक ने कहा कि जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच जीवन के पुरुषार्थ की सिद्धि इसमें नहीं दिखाई दे रही, आपकी कला उस पुरुषार्थ को भूल गई। आपने किसानों, मल्लाहों, लकड़हारों को स्थान नहीं दिया, उसके बिना जीवन अधूरा है। विष्णु ने कहा कि कला की मूर्ति पूर्ति चयन में है। धर्मपद ने कहा कि आज के शिल्पी की आंखें वहाँ नहीं पड़ती जहाँ धूल में हीरे छिपे पड़े हैं। धर्मपद ने कहा कि इस कोणार्क मंदिर में बरसों 1200 से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं, आप इनमें से कितनों की पीड़ा से परिचित हैं। महावात्य के भृत्यों ने इनसे बहुतों की जमीन छीन ली है, कईयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है। विष्णु ने कहा कि राज्य की बातों में पढ़ना शिल्पियों का काम नहीं है। धर्मपद ने कहा कि लोग अत्याचार और अकाल की मार सहें और शिल्पी यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाते रहें, ये उचित नहीं है। पूछे जाने पर युवा शिल्पी धर्मपद ने कहा कि कोणार्क को पूरा करना अब भी कठिन नहीं है। महाशिल्पी विष्णु की चिंता। यकायक महामाते चालुक्य ने विष्णु आदि उपस्थित लोगों से कहा था कि 7 दिन में कोणार्क पूरा न हुआ तो सभी शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। धर्मपद ने विष्णु आदि से कहा कि हाथ काटने की नौबत ही न आए, इसका उपाय किया जाना चाहिए। विष्णु ने धर्मपद से कहा कि आप मुझे अवसर दीजिए। धर्मपद ने कहा कि कोणार्क के कमल की पंखुड़ियाँ उलटनी पड़ेंगी, तब कमल स्थिर रहेगा। विष्णु को धर्मपद की बात उचित लगी। विष्णु ने कहा कि यदि तुम कोणार्क के शिखर को स्थापित कर सके तो मैं तुम्हें ही अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। धर्मपद ने शिखर स्थापित करा दिया। नरसिंह देव ने महाशिल्पी विष्णु का सम्मान करने हेतु एक रत्नमाला उसे पहनानी चाहिए। विष्णु ने कहा कि देव, इस रत्नमाला का अधिकारी यह धर्मपद युवक है, यदि ये नहीं होता तो हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तुत ही नहीं होते, इसी ने कोणार्क शिखर को पूरा किया है। चालुक्य ने कोणार्क पर आक्रमण किया था, धर्मपद ने बड़ा पराक्रम, उसने बताया कि मेरे पास शक्तिवर्धक संजीवनी है, कंठहार। जब उसने कंठहार सौम्य को दिखाना चाहा तो वह उसे न मिला, वह लड़ते समय उसके गले से गिर गया था। धर्मपद ने सौम्यश्री की मूर्ति के गले में वैसा ही पत्थर का हार देखा। चकित धर्मपद को विष्णु ने बताया कि ये मैंने ही अंकित किया है। उसने धर्मपद का खोया हुआ कंठार भी दिखा दिया। विष्णु ने बताया कि तुम्हारे इस कंठार में हाथी दांत के करुण कंकण का शिल्पी भी मैं ही हूँ। धर्मपद ने कहा कि ये कंठार उपहार रूप में मुझे मेरी माँ ने दिया था। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने बताया था कि ये तेरे पिताजी की देन है। उसने पिता की बात पहली और अंतिम बार तभी कही थी। उसने बहुत कष्ट सहकर मुझे पाला था। विष्णु ने कंठार के संबंध में सौम्यश्री को सब कुछ बता रखा था, इसलिए सौम्यश्री ने धर्मपद को बताया कि तुम्हारी माँ का नाम सारिका था और विष्णु ही तुम्हारे पिता हैं। धर्मपद माँ द्वारा बताया गया पिता का नाम बताने को था, तभी विष्णु ने कहा कि श्रीधर नाम था और वह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ। विष्णु तो मेरा छद्म नाम है जो सवर अटीविका से सारिका से दूर इधर भाग आने पर मैंने रखा। इस प्रकार पिता पुत्र और धर्मपद का मिलन हुआ। विष्णु उस समय बहुत भावुक हो गया था। महामाते चालुक्य की मनमाने। उत्कल नरेश नरसिंह देव अपने महामाते चालुक्य को बहुत महत्व देते थे।
किंतु चालुक्य ने नरसिंह देव को धोखा दिया। तब जब बंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने गए हुए थे, चालुक्य सर्वे सर्वा बना हुआ था। शिल्पी आकर चालुक्य द्वारा किए गए अत्याचारों के समाचार लाया करते थे। सौम्यश्री ने बताया कि महादंडपाशिक के सब अधिकार भी चालुक्य ने हत्या दिए हैं। दंडपाशिक सैनिकों के बल पर वह अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है। धर्मपद ने भी चालुक्य के अत्याचारों के बारे में बताया। सौम्यश्री, विशु, राजीव, धर्मपद आदि बातें कर रहे थे, तब चालुक्य बिना सूचना के वहाँ आ जाता है। शिल्पियों की दुख गाथा कहने वाले धर्मपद को उसने बाहर निकलवाया। उसने 1200 शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे, ये मेरी दंडपाशिक की आज्ञा है। धर्मपद की सूझबूझ से मंदिर का शिखर पूरा हुआ और नरसिंह देव मंदिर के प्रतिष्ठापन के लिए आए उन्हें मंदिर देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मुद्राओं और पुरस्कारों देना भी बंद कर दिया गया था, साथ ही उनकी जमीन भी छीन ली गई थी। किसान, मजदूर और शिल्पी त्राही त्राही कर रहे थे। तभी चालुक्य द्वारा भेजे गए दूत शैवालिक द्वारा चालुक्य के मंसूबों की जानकारी मिली। कुछ देर बाद चालुक्य की सेना मंदिर के 3 प्राचीरों के पास आ गई। चौथी ओर समुद्र था। चार दीवारी के भीतर लगभग 5000 लोग थे। ये शिल्पी, मजदूर और सामान्य लोग थे। धर्मपद ने बताया कि कुदाली, दंड, हथौड़े और पत्थर हमारे अस्त्र होंगे। जब तक प्राचीर हमारे हाथों में रहेगा, शत्रु को पास नहीं पटकने देंगे। महाराज ने कहा कि रात्रि के पहले पहर में शत्रु को ऐसे रोक लिया जाए, रात्रि में युद्ध विराम रहेगा, सुबह तो जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में अधिष्ठाता की सहायता से शत्रु को घेर लेंगे। रात्रि में ही जगन्नाथपुरी पहुंचना है। मंदिर के चौथे द्वार से महाराज देव नौका से समुद्र मार्ग से और मजदूरों ने चालुक्य से युद्ध किया। रात्रि में युद्ध बंद था, किंतु शत्रु की सेना का एक जल मंदिर के दक्षिण से प्राचीर के एक अंश में रास्ता बनाकर अंदर घुसने लगा, जबकि युद्ध निषेध था। शत्रु के उल्लंघन किया, धर्मपद तुरंत ही शत्रु का सामना करने को उद्यत हो गया। विशु ने ममतावश उसे रोकना चाहा, किंतु वह रुक न सका। धर्मपद ने कहा कि यदि चालुक्य ने एक बार मंदिर पर अधिकार कर लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा। सुबह तो वह पुरी की ओर कूच कर देगा और देव महाराज के प्रयास विफल हो जाएंगे। विशु द्वारा कोणार्क को शत्रु से बचाने का प्रयत्न। विशु नहीं चाहता था कि उसकी लंबी साधना से निर्मित कोणार्क अत्याचारी चालुक्य के हाथों में जाए। इसे विशु एक कारीगर की हार मानता था और वह शिल्पी के पराजय नहीं देखना चाहता था। उसने भगवान सूर्य से अपनी व्यथा कही। उसने मंदिर में सूर्य की मूर्ति के आगे साष्टांग प्रणाम कर कहा कि जब तुम्हारी उपासना का समय आया, तभी शिल्पी के रक्त से रंगे अपावन हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। हे मैंने देव, कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक न बने। विष्णु ने कुदाली लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया और कपाट अंदर से बंद कर लिए। तभी चालुक्य ने धर्मपद के तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया था। वह सौम्यश्री को भी धर्म धमकी दे रहा था। डटकर सौम्यश्री ने कहा, विशु कपाट खोल दो। विशु ने कपाट नहीं खोले। वह ऊपर चुंबक के पास गया हुआ था और उसे तोड़ रहा था। धक्का देकर कपाट खोले गए तो अंदर गया हुआ चालुक्य, शैवालिक और कुछ सैनिक छत और दीवारों से गिरने से उनके नीचे दबकर मर गए। सौम्यश्री को घायल विशु दिखाई दिया, जो बाद में गिरकर मर गया था। उसने चालुक्य से प्रतिशोध ले लिया था, जो शिखर विशु के पुत्र धर्मपद ने पूरा किया था। उसके गिरे हुए पत्थर विशु के शव पर बिखरे हुए फूल से प्रतीत हो रहे थे। अब कोणार्क खंडहर सा दिखाई पड़ता था। इस प्रकार ये कोणार्क इस ऐतिहासिक घटना को लेकर के जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है।